Hello everyone. We'll now start with the next episode of amendment, wherein we'll talk about all the amendments under chapter income from other sources. So income from other sources mein jo bhi amendment hai wo hum yahan dekhne ja rahe hain, and you'll find ki jo amendment hai wo sirf ek hi jagah pe hai aur wo hai taxation of gift mein. टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो टैक्सेशन का लॉ है उसे स्लाइटली बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है. तो कोई एग्जिस्टिंग लॉ में चेंज नहीं है, वो लॉ थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है. राइट, तो एग्जिस्टिंग लॉ एक्सटेंडेड लॉ पूरा ही देखेंगे एक बार भी तो बात अच्छे से समझ में आएगी. तो लेट अस डायरेक्टली मूव जंप टू टैक्स गिफ्ट टैक्सेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन टू बी ट्रीटेड एज इनकम. इसमें पांचवी कैटेगरी का हम गिफ्ट देख रहे हैं. तो आपको अगर याद हो तो मैंने गिफ्ट को पांच कैटेगरी में क्लासिफाई किया था. तो पहली चार कैटेगरी तो इंटैक्ट है, वो सेम लॉ चल रहा है. पांचवी कैटेगरी में ही अमेंडमेंट है. क्या थे वो पांच कैटेगरी, एक बार आपको याद दिलाए. मनी, ठीक है. फिर दूसरा क्या था, पहली कैटेगरी थी, मैं लिख देता हूं, पहली जो कैटेगरी थी वो मनी की थी, दूसरी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरी थी मूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरी अगेन थी मूवेबल प्रॉपर्टी. ये क्या था, विदाउट कंसिडरेशन. ये था फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. चौथा क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन. और ये रहा पांचवा जो आप सीखने जा रहे हैं, क्या है वो, इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. ठीक है, क्या है लिखा यहां पे, इफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर अ कंसिडरेशन विच इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. इनएडिक्वेट कंसिडरेशन किसको कहते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से सस्ता मिल जाए. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, सरकारी मूल्यांकन है. अगर जमीन मकान आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से सस्ता मिल जाए तो गवर्नमेंट कह रही है कि चालबाजी कर रहे हो भाई. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि हम तो खुद ही जो सरकारी मूल्यांकन रखे वो बहुत कम है, मार्केट में वैल्यू से ज्यादा होती है. मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात भी बता देता हूं. मैं वाराणसी से हूं, बनारस से, मोदी जी की जगह से, ठीक है. ये मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी है जहां से मोदी जी इलेक्शन लड़ते हैं. हम बनारसियों की खास बात यह है कि पूरा देश जो है वो एमपी बनाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाता है, हम लोग प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, है कि नहीं. हमारा एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता है, वो प्राइम मिनिस्टर बनता है भाई. तो वन थिंग आई वुड एड हियर, जैसे बनारस की जो हाल है वो ये है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर किसी प्रॉपर्टी की 1 करोड़ रुपए है तो लगभग लगभग मार्केट वैल्यू उसकी 2 करोड़ रुपए होगी, 2.5 करोड़ रुपए होगी, 3 करोड़ रुपए तक भी होगी, इतना अंतर है. अब एक बात बताइए, मैं वाराणसी में हूं, मैं जानता हूं कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सरकारी मूल्यांकन 1 करोड़ रुपए है तो वो प्रॉपर्टी मार्केट में 2.5 करोड़ रुपए की मिलती है. अगर मैं अब गवर्नमेंट को ये बोलूं कि नहीं मुझे तो 80 लाख रुपए में मिल गई, तो गवर्नमेंट समझ जाएगी कि नहीं चालबाजी कर रहा है, चालबाजी कर रहा है. वो हुआ क्या होगा कि बाकी पैसा मैंने ब्लैक में दिया होगा, 80 लाख रुपए व्हाइट में दिया होगा, बाकी ब्लैक में दिया होगा. तो ये गवर्नमेंट समझती है. तो इसीलिए गवर्नमेंट जितना पैसा आप एक्सेसिव दे रहे हो उसको गवर्नमेंट क्या मान लेती है, आपकी इनकम मान लेती है. यही है गिफ्ट टैक्सेबिलिटी. यहां पे गवर्नमेंट कहेगी इतना सस्ता मिल ही नहीं सकता, सरकारी मूल्यांकन से सस्ता मिल रहा है भैया, 1 करोड़ रुपए की चीज 80 लाख, चलो तुम्हारी इनकम बना दी हम 20 लाख, समथिंग लाइक दैट. लेकिन क्या थोड़ा बहुत मार्जिनली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो गवर्नमेंट मान जाती है, गवर्नमेंट मान भी जाती है. तो आइए वही देखते हैं कि थोड़ा बहुत तो मान जा रही है गवर्नमेंट. इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बाई एन अमाउंट एक्सीडिंग हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन.
अगर जो डिफरेंस है वो कितना है, हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन, देन द डिफरेंस बिटवीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इज चार्जेबल टू टैक्स। एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे आप। मान लीजिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की 40 लाख रुपए है और आप बोलते हो आपने खरीदा कितने का है, कंसिडरेशन कितना दिया है इसका, आपने कंसिडरेशन दिया है 35 लाख रुपए का। गवर्नमेंट क्या कह रही है, 50,000 रुपया या 10% ऑफ द कंसिडरेशन से ज्यादा अगर डिफरेंस है, एक्सीडिंग है, तब तो इनकम होगी, नहीं तो नहीं। 10% ऑफ द कंसिडरेशन, 10% ऑफ द कंसिडरेशन होता है 3.5 लाख। अब एक्चुअली हम अब बात करते हैं कि अलाउड कितना है, परमिटेड कितना है, 3.5 लाख या फिर 50,000 रुपए का हायर, इन दोनों में से हायर यानी कितना अलाउड है, 3.5 लाख रुपए का डिफरेंस अलाउड है। क्या डिफरेंस 3.5 लाख रुपए का है? नहीं भाई, मुझे तो दिख रहा है हम 5 लाख रुपया सस्ता खरीद लिए हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से 5 लाख रुपया। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अब ये 5 लाख रुपया आपकी इनकम कहलाएगी, 5 लाख रुपया इनकम कितनी कहलाएगी, पूरा डिफरेंस, देन द डिफरेंस बिटवीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन। मतलब ये नहीं कि 3.5 लाख रुपया तक तो अलाउड है तो 1.5 लाख रुपया ही टैक्सेबल होगा, नहीं, अगर टैक्सेबल होगा तो ये पूरा डिफरेंस टैक्सेबल होगा। नाउ टैक्सेबल गिफ्ट इज इक्वल टू 5 लाख। देखिए यहां मत सोचिएगा कि तेज चल रहा है, मुझे बात नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई तो नहीं आई, सर कुछ नहीं कर सकते यहां पे, क्योंकि ये अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट तो अभी आगे बताएंगे, ये तो रिकैप दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये ना समझ में आए तो ये आपकी गलती है, राइट, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू कंप्लीट द इंटायर टैक्सेशन, आई एम हियर टू कंप्लीट ओनली द अमेंडमेंट पार्ट। इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड अमेंडमेंट, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी चल जा रहा हूं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल आपके लिए, क्या याद रखेंगे आप भी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 55 लाख रुपया है और कंसिडरेशन आपने पे किया, आपने 50 लाख रुपए में खरीद लिया है, जल्दी बताइए गिफ्ट की इनकम कितनी। चलिए आपको दिया मौका, चलिए अब आपको मैं समझा ही दूं। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 55 लाख रुपए, कंसिडरेशन 50 लाख रुपए है, ठीक है, अलाउड कितना है, कंसिडरेशन का ना 10% अलाउड होता है, ठीक है, तो 50 लाख का 10% यानी कि 5 लाख रुपया अलाउड है, और 50,000 विचेवर इज हायर, तो 5 ही लाख ना ज्यादा हुआ तो 5 लाख अलाउड है, 5 लाख सस्ता हो सकता है, 5 ही लाख तो सस्ता है, टैक्सेबल गिफ्ट नील हो गया यहां पर, आया मजा, जिसको आई नहीं रहा उसको मजा कहां से आएगा, आना भी तो चाहिए, मेरे हिसाब से आ गया होगा लेकिन सबको, है कि नहीं। चलिए कि आप भी क्या याद रखेंगे, एक और एग्जांपल आपके लिए, ठीक है, चलिए करते हैं, पहले आप करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कर देंगे। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 लाख रुपया है और कंसिडरेशन आपने दी है इसके लिए 60,000 रुपया, टैक्सेबल गिफ्ट कितना है बताइए। बोलिए 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 बोलिए, पूरा मौका है आपके पास।
क्या अलाउड है, ऐसे सोचा करिए, क्या अलाउड है? अलाउड है 10% ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि 6,000, या फिर 50,000, दोनों में से जो हायर है, तो यानी 50,000 तक का डिफरेंस अलाउड है। बेटा यहां डिफरेंस तो 40,000 रुपए का है, 40,000 का तो डिफरेंस है एक्चुअल, तो टैक्सेबल गिफ्ट कितना हुआ? निल हो गया। राइट, चलिए अब हम देखेंगे अमेंडमेंट क्या था। ठीक है, अभी अमेंडमेंट नहीं था, अभी तो जो पहले था उतना ही पढ़ा। यहां से शुरू होता है अमेंडमेंट, जो हम रेड से अंडरलाइन करेंगे। हाउएवर दिस 10% शैल बी स्टेटेड एज 20%। लो, अभी तक 10% अलाउड था, 20% तक गवर्नमेंट अलाउ कर दे रही है। चलिए 20% भी सस्ता होगा तो चलेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ना 20% नीचे, मतलब ये हो गया कि 10 लाख की प्रॉपर्टी अगर 8 लाख रुपए में भी आप खरीद रहे हो तो जाओ टैक्स नहीं लेते, 20% नीचे तक अलाउ करना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट, लेकिन ये किसके लिए? इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट वे कंसिडरेशन इज अप टू 2 करोड़ रुपए तक की कंसिडरेशन है, लेकिन रेजिडेंशियल यूनिट का है, जमीन की बात नहीं हो रही है, मकान की बात हो रही है, वो भी रेजिडेंशियल। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 12/1/20 टू 30/6/21, अब मैं आपको बताता हूं ये क्यों था। एक्चुअली आपको तो पता ही है कि हमारा देश पिछले 3 सालों में कोविड की महामारी की चपेट में ही रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट बहुत ही बैठ गया। बिल्डर्स परेशान कि भाई हमारे फ्लैट नहीं बिक रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल्डर्स रेट को कम कर रहे थे अपने फ्लैट्स वगैरह को बेचने के लिए कि भाई माल बिक ही नहीं रहा है, बेचते हैं, कम करके बेचते हैं। लेकिन परेशानी ये आ रही थी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से सस्ता अगर दे दिया जाए तो कस्टमर खुद खरीदने को नहीं तैयार था। जैसे 1 करोड़ रुपए का एक फ्लैट था, एक बिल्डर बोला 80 लाख रुपए में हम दे देंगे, ले लो। मैंने कहा भाई साहब 20 लाख रुपए आप सस्ता तो दे रहे हो, लेकिन मोदी जी थोड़ी ना छोड़ेंगे। तुम 20 लाख रुपया सस्ता हमको फ्लैट दे रहे हो 80 लाख रुपए का, लेकिन मोदी जी कहेंगे जो डिफरेंस है उस पर टैक्स दो 20 लाख रुपए पे, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से सस्ता खरीद लियो। मैंने कहा भाई साहब भले सस्ता हो, मुझे खरीदना नहीं है। आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? भाई बिल्डर तो कह रहा है कि मेरा माल नहीं बिक रहा है, वो तो फ्लैट सस्ते में देने को तैयार है, लेकिन फिर भी खरीदार खरीदने को तैयार नहीं है क्योंकि मोदी जी नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल आप मेरी बात को ऑफेंड मतलब अदरवाइज ना लीजिएगा, मोदी जी मींस इनकम टैक्स नहीं छोड़ेगा। राइट, तो हियर कम्स एन अमेंडमेंट जो उस कोविड काल के दौरान के बीच में आया कि अगर 20% तक का भी अंतर है ना रेजिडेंशियल यूनिट के लिए तो हम अलाउ कर देंगे, खरीद लो, कोई गिफ्ट का टैक्सेशन नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने पीरियड भी बताया, ये पीरियड याद करना पड़ेगा कि किस दौरान ये बेनिफिट था 20% वाला, वो था 12/11/2020 से लेके 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021। तो हम लोग कौन से प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर 21-22। तो आप बस इस ईयर के बीच का याद रखिए, इस ईयर में अप्रैल मई और जून में ये लॉ था, अप्रैल मई और जून के लिए बस, 30 जून तक ही तो था, तो हमको पिछले साल की डेट तो याद रखने की जरूरत है नहीं। तो आप याद रखिए अप्रैल मई जून इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 महीने में अगर प्रॉपर्टी की खरीदारी हुई थी तो 20% तक भी अलाउड था। राइट, मजा आएगा आपको करने में, चलिए करिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़, कंसिडरेशन 80 लाख, डेट ऑफ परचेज 15/5/21, गिफ्ट की इनकम कितनी होगी? गिफ्ट की इनकम कितनी होगी? बोलिए 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 बोलिए,
बहुत सुंदर, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 20% का तो अंतर है, गिफ्ट की इनकम नहीं होगी। अरे बेसरमो, 20% क्या चीज का देखा जाता है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कि कंसिडरेशन का? कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन 80 लाख है, उसका 20% कितना हुआ? 16 लाख रुपया। 16 लाख का डिफरेंस है क्या? 20 लाख का डिफरेंस है, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अलाउड कितना है? अलाउड है 20% ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, डिफरेंस जो अलाउड है वो 80% ऑफ द 20% ऑफ द कंसिडरेशन है, यानी कि 16 लाख रुपए का डिफरेंस अलाउड है, जबकि एक्चुअल डिफरेंस कितना है? एक्चुअल डिफरेंस है 20 लाख रुपया। ठीक है, अगर एक्चुअल डिफरेंस 20 लाख रुपया है तो यहां गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल गिफ्ट इज इक्वल टू 20 लाख रुपीज। ठीक है, चलिए। सो विथ दिस वी हैव एंडेड विथ दिस एपिसोड ऑफ इनकम टैक्स अमेंडमेंट फ्रॉम चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।